नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपको स्वागत कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज मेरे साथ उप आचार्य जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय भोपाल की अध्यापक संदीप शास्त्री जी। संदीप शास्त्री जी जाने माने राजनीति वैज्ञानिक है और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDS की जो लोक नीति नेटवर्क है, इनके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है। तो संदीप जी, धन्यवाद आपका समय आपने न्यूज़ क्लिक का दर्शक को दिया। मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो 2 मार्च का जो अलग अलग राज्य विधानसभा निर्वाचन का जो नतीजा हमारे पास आए हैं, केरला, तमिलनाडु, बंगाल, असम, पुडुचेरी, ये राष्ट्रीय राजनीति, भारतवर्ष के राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ सकते हैं, महत्वपूर्ण क्यों है, यही मेरा पहला सवाल। रंजय जी, आपने बहुत ही महत्व का सवाल पूछा है। मुझे काफी समय से आज लग रहा है कि पूर्व भारत से आने वाला हवा और दक्षिण भारत से ऊपर जाने वाला हवा उत्तर को और दिल्ली को काफी बदल सकता है। अगर बदला नहीं तो प्रभाव तो जरूर कर सकता है। और जिस तरह से पूर्व से एक राजकीय हवा निकली है और किस तरह दक्षिण से एक राजकीय हवा निकली है, दिल्ली में उस हवा का एक असर काफी तरीकों से हो सकता है। क्या आप समझते हैं कि ये 7 साल नरेंद्र मोदी जी का सरकार के सामने ये विधानसभा चुनाव का नतीजा और साथ साथ ये कोविड महामारी के दूसरी जो लहर आए है, आज सरकार के सामने ये सबसे बड़ा चुनौती, 7 साल में इतना बड़ा चुनौती कभी मोदी सरकार के सामने नहीं आया। रंजय जी, आपको ये मालूम होगा कि जीवन में एक बात की हमेशा चर्चा रहती है, उसको मैं इंग्लिश में बताऊंगा, बाद में उसको हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करूंगा। द सेवन ईयर इच के बारे में काफी लोग बात करते हैं कि 7 साल के बाद जीवन में हो, राजकीय में हो, कोई क्षेत्र में हो, वो थोड़ा सा समस्या शुरू हो जाती। इंग्लिश में वापस कहूं, साइकिल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन कई संदर्भों में 7 साल के बाद शुरू होने की एक संभावना रहती। यूपीए सरकार में वही हुआ, 2004 में आए, 2009 में वापस आए, 2011 में वो 7 ईयर इच प्रारंभ हुआ। क्या उस 7 ईयर इच का हम संकेत 2021 में देख रहे हैं अभी 7 साल के बाद? एंड इस 7 ईयर इच की जो चर्चा लोग कर रहे हैं, 2 संदर्भ में कर रहे हैं। एक, ये 4 राज्यों का नतीजा, और दूसरी ये महामारी की दूसरी राउंड जो अभी निकली है, इसको क्या सरकारें प्रिवेंट कर सकती थी? क्या सरकारें इसको ज्यादा एफिशिएंसी से उसको डील कर सकती थी? क्या हम थोड़ा प्रोएक्टिव हो सकते थे? क्या हम थोड़ा सचेत हो सकते थे इन सब बारों में, इन सब विषयों में? सो ये दोनों चुनौतियां इस 7 साल के बाद और 7 साल जब कंप्लीट होने जा रहा है, इन विषयों की चर्चा आज शुरू हो गई है। सो मुझे, मेरे मन में इस बात का संदेह नहीं है कि ये सबसे बड़ी चुनौती जो ये सरकार आज झेल रही है, वो इन 7 सालों में इससे बड़ी एक चुनौती सरकार ने नहीं झेला है। और किस तरह से वो इस समस्या को झेलेंगे, किस तरह से इस समस्या का वो परिहार ढूंढेंगे, किस तरह से लोगों के मन में, क्योंकि परंजय, ये पब्लिक परसेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पब्लिक परसेप्शन में
हाउ वॉज कोरोना टू हैंडल्ड बाई दी गवर्नमेंट? क्या लोग कहेंगे कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता था? क्या लोग कहेंगे कि सरकार ने जितना चाह सका करा? क्या लोग कहेंगे कि सरकार को और करना चाहिए था, नहीं किया? क्या सरकार कहेगी? क्या लोग कहेंगे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार? ये सब समस्याएं आने वाले दिन में हम देखेंगे, पर सवाल तो जरूर इस चुनाव ने और इस राजकीय वातावरण ने और इस महामारी का एक वातावरण ने जरूर उठाया। बिल्कुल, आपने जैसे कहा संदीप शास्त्री जी, दक्षिण भारत से एक हवा, पूर्व भारत से एक हवा, दोनों मिलके आज भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी का सरकार को ऊपर और उनका विश्वसनीयता के ऊपर एक जबरदस्त एक धक्का लगा। तो एक एक राज्य का चुनाव, जो चुनाव के बारे में आप थोड़ा बहुत कहिए। हम पहले वो दक्षिण भारत का दो राज्य है, एक यूनियन टेरिटरी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपसे मैं सवाल उठाता हूँ। केरला में पिनाराई विजयन का LDF सरकार वापस आ गया। ये केरला में 40 साल में कभी नहीं हुई थी। ये 40 साल के बाद एक तरह से एक सरकार जो सत्ता विरोधी एंटी इनकम्बेंसी लहर नहीं था, इसका क्या कारण है? और इसका एक कारण कि ये है कि ये जो कोरोना का महामारी, केरला राज्य जिस तरह से इसका प्रबंधन किया, जिस तरह से इन्होंने कार्यक्रम लिया, इसका एक असर केरला का वोटर इसीलिए दो बार LDF सरकार को चुन के लाए हैं। आपकी बात को मैं पूरा मानूंगा और हमारा लोकनीति CSTS सर्वे भी ये बात कहती है कि 10 में से 9 लोग कहते हैं कि पिछले 5 सालों में जिन जिन समस्याओं को केरला को जूझना पड़ा, वो अभी का ये कोरोना हो सकता है, पहले का बाढ़ हो सकता है, उसके पहले दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स राज्य में थे, 9 में से 10 लोग कहते हैं कि हमें सरकार से कोई एक परिस्थिति में तो सहायता मिली। 10 में से 9, 92% लोगों ने ये बात कही। सो एक तरह से 40 साल का जो रिवॉल्विंग डोर अप्रोच था केरला के वोटर्स को, वोटर्स का, कि हर 5 साल नई सरकार को लाएं, रिवॉल्विंग डोर अप्रोच को बंद किया लोगों ने। इसी एक कारण से एक स्ट्रॉन्ग केरला, जिस तरह से केरला में देखा मैंने किसी और राज्य में नहीं देखा, जिस तरह से स्ट्रॉन्ग प्रो इनकम्बेंसी सेंटिमेंट, ये प्रो इनकम्बेंसी सेंटिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग मैंने वेस्ट बंगाल में भी नहीं देखा, असम में भी नहीं देखा, जितना आपने केरला में देखा। ये एक बात है। विजयन का लीडरशिप और LDF गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस पे ये एक स्पष्ट ठप्पा है। दूसरी बात, मुझे लगता है कहीं UDF ने बहुत ही कैजुअली इस इलेक्शन को लिया, लीडर डिक्लेयर नहीं किया, उनके काफी आंतरिक समस्याएं थी। और वो भी मुझे लगता है दूसरा कारण एक है LDF की सरकार को वापस लोगों ने लाया। इन दोनों कारणों को आप कंबाइन करें तो आप केरल के रिजल्ट को डिफाइन कर सकते। इसका मतलब आपने दो बड़ा कारण दिखाया, एक है LDF सरकार जो काम किया, पिनाराई विजयन का सरकार जो काम किया, और साथ साथ कांग्रेस का जो विरोधी दल है उसका एक तरह से जो अंग्रेजी में आप कहेंगे कॉम्प्लेसेंसी, जिस कारण के लिए LDF वापस आया। मगर तमिलनाडु में बहुत लोग कह रहे थे कि DMK द्राविड़ मुन्नेत्र कळघम का सरकार और भारी बहुमत से आएगी, और कुछ लोगों का कहना है अगर AIDMK ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कळघम, उनके साथ इस बार जयललिता नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं रहते तो शायद इससे भी अच्छा करता है। मगर ये तो साफ है कि साफ मतलब बहुमत मिला DMK को, मगर भारी बहुमत जो लोग सोच रहे थे मिलने का एक संभावना है वो नहीं हुआ तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चुनाव के बारे में जब मैं बात करूंगा, मुझे लगता है वहां हमें
रिजल्ट को एक्सप्लेन करने में तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा. फैक्टर नंबर वन, अन्ना डीएमके का सरकार 10 साल से था और 10 साल के बाद ये थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव आप जरूर देखेंगे वहां. दूसरी बात, करुणानिधि और जयललिता जी के निधन के बाद ये पहला चुनाव. अब देखिए परसेंटेज क्या था जिन्होंने स्टालिन को जय करुणानिधि के लेगेसी के इनहेरिटर में के रूप में देखा. वेरी हाई परसेंटेज, अगर मुझे याद है मोर देन 80% ऑफ डीएमके वोटर्स ने कहा कि हम स्टालिन को करुणानिधि के इनहेरिटर ऑफ हिज लेगेसी उस रूप में देखा. अन्ना डीएमके में क्या हुआ, पड़नीस्वामी जो चीफ मिनिस्टर थे, जब हमने हमारे सर्वे में प्रश्न पूछा कि क्या आप पड़नीस्वामी को जयललिता के लेगेसी के इनहेरिटर के रूप में देखते हैं, 50% और 60% के बीच अन्ना डीएमके सपोर्टर्स ने कहा. तो मुझे लगता है ये लेगेसी ट्रांसफर का भी प्रश्न है और ये लेगेसी ट्रांसफर भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है इस चुनाव में. स्टालिन हैज इनहेरिटेड दैट लेगेसी ऑफ हिज फादर. अन्ना डीएमके में लेगेसी का इनहेरिटर कौन है, मुझे लगता है वो डिसीशन अभी पूरा हो गया है एंड पूरा सपोर्ट पलनीस्वामी की तरफ नहीं है. परंतु एक थर्ड फैक्टर, मुझे लगता है अन्ना डीएमके का परफॉर्मेंस और भी खराब होता अगर COVID-19 में जिस तरह से सरकार ने रिस्पॉन्ड किया, मुझे लगता है तमिलनाडु सरकार ने डिसेंट रिस्पॉन्स था उनका लोगों के पर्सपेक्टिव में, उस कारण से थोड़ा ग्लोरियस डिफीट, इफ यू कैन हैव दैट टर्म, डिग्निफाइड डिफीट उनको मिला. संदीप जी, पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना खेल वो सफल हो गया, आप चुनाव को पहले कांग्रेस को तोड़ दिया, फिर आप नया एक स्थानीय दल बना दिया और वो जीत गया, एनआरसी कोई था ही नहीं इससे पहले, तो वहां पे तो एक वैसे भी छोटा यूनियन टेरिटरी है मगर वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी का वो खेल चला और सफल भी हो गया. यहाँ पे मैं पूरा दोष कांग्रेस पार्टी को दूंगा. जब आपकी सरकार थी आपने इनफाइटिंग को कंट्रोल नहीं किया, जब आपकी सरकार थी चीफ मिनिस्टर ने ज्यादा लेफ्टिनेंट गवर्नर पर फोकस किया, तो आप सिंपथी फैक्टर कैसे डेवलप करेंगे अभी जब आपने खुद अपने मुख्यमंत्री जो पहले थे उन्हें आपने चुनाव में नहीं उतारा. और यहां बीजेपी का बहुत ही मैच्योर एंड क्लेवर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी था, उन्होंने एनआर कांग्रेस को सामने रखा. इनफैक्ट एनडीए का जीत जो है वहां पे पुदुचेरी में सच में वो एनआर कांग्रेस का जीत, तो एनआर कांग्रेस पे बीजेपी ने पिगीबैक करके उनका मूल उद्देश्य था कांग्रेस मुक्त भारत. तो कांग्रेस को हमें डिफीट करना है, पुदुचेरी में कांग्रेस को कैसे डिफीट करें, एनआर कांग्रेस के साथ एलाई करके उन्हें एनडीए का पात्र बना के उन्हें मेजॉरिटी ऑफ सीट्स उन्हें देके हम इस चुनाव को लड़े. तो ये स्ट्रेटजी बीजेपी का काफी सक्सेसफुल रहा पुडुचेरी, एंड आई वुड से दिस वाज हैंडिंग द एनडीए ए विक्ट्री ऑन अ प्लेटर. दिस इज व्हाट द कांग्रेस पार्टी डिड इन पुडुचेरी. प्रोफेसर संदीप जी, प्रोफेसर संदीप शास्त्री, असम में आज साफ हो गया कि हिमंत बिस्व शर्मा नया मुख्यमंत्री बन गए और ये भी साफ था कुछ सालों से लोग कह रहे थे हिमंत बिस्व शर्मा जो एक समय तरुण गोगोई जी जो कांग्रेस मुख्यमंत्री थे उनके दाएं हाथ थे और आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा सिर्फ क्यों असम में, पूरा आपका उत्तर पूर्व भारत में इसके लिए एक व्यक्ति सबसे ज्यादा काम किया वो है हिमंत बिस्व शर्मा. लोग कहते हैं ये उत्तर पूर्व भारत का अमित शाह.
तो वहां पे हमने देखा कांग्रेस और कांग्रेस के साथ बदरुद्दीन अजमल का पार्टी AIDUF, वहां पे जो BPF बोरो पीपल्स फ्रंट, इन सब मिलके पहले से तो थोड़ा अच्छा किया, मगर जिस तरह से विरोधी एक ऑपोजिशन कोलिशन, एक विरोधी दल का एक गठबंधन इसका एक तरह से इनके खिलाफ काम करेंगे, वो नहीं कर पाया असम में। तो वहां पे भी हम देखा जी प्रो इनकम्बेंसी जो सत्ते में है उनको वापस दोबारा असम में भारतीय जनता पार्टी और NDA का सरकार आया। असम के बारे में तीन बातें कहूंगा। पहली जो आपने अभी कहा नए मुख्यमंत्री जो बनेंगे, आपको याद होगा 6 साल पहले जब हेमंत बिस्व बीजेपी में जुड़े, उस समय बीजेपी ने तब तक बीजेपी ने सोनोवाल को मुख्यमंत्री दावेदार अनाउंस कर दिया था। सोनोवाल को मुख्यमंत्री दावेदार अनाउंस करने के बाद हेमंत आके पार्टी में ज्वाइन। सो जब चुनाव हुआ बीजेपी ऑलरेडी सोनोवाल को अपने कैंडिडेट अनाउंस कर चुके, तो जब वो चुनाव में जीते उस समय मुश्किल था सोनोवाल को छोड़ के किसी और को मुख्यमंत्री बना। एंड आप देखिए बीजेपी में उनका थोड़ा था है, आप कुछ अचीव करिए, आज कुछ दिखाइए, फिर आपको स्थान और पद देंगे। इस 6 सालों में जो काम हेमंत बिस्व सरमा ने कर दिखाया है बीजेपी के लिए, वो उसका एक कहूंगा प्राइज है उनके लिए, जो उसमें जो पुरस्कार करने की उन्होंने जो उनके वजह से। बट अगर आप असम इलेक्शन को देखें, असम में दो चीजों ने सरकार को हेल्प किया, बीजेपी को हेल्प किया। पहली, जिस तरह से असम में इस बार स्ट्रांग हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, इस हिंदू कंसोलिडेशन से बीजेपी को उसका स्पष्ट लाभ होता है। उसी तरह कांग्रेस लेड महाजोत को उसी तरह का माइनॉरिटी कंसोलिडेशन नहीं रहा है। जिस स्ट्रेंथ से मेजॉरिटी कंसोलिडेशन हुआ उसी स्ट्रेंथ से माइनॉरिटी कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। CSDS लोकनीति सर्वे ये बात दिखाती है कि बंगाली मुस्लिम और असमीज मुस्लिम में एक फर्क हो। बंगाली मुस्लिम में हमारा सर्वे दिखाता है कि 90% वोट महाजोत के तरफ गया, बट असमीज मुस्लिम आप देखें तो ओनली 65% ऑफ द वोट महाजोत की तरफ गया है। बैलेंस बंगाली असमीज मुस्लिम का वोट काफी बीजेपी की तरफ। So, एक आप पोलराइजेशन का फैक्टर देखें तो मेजॉरिटी पोलराइजेशन हैज बीन स्ट्रॉन्गर देन माइनॉरिटी पोलराइजेशन। शास्त्री जी, मेरा सवाल अभी है बंगाल के ऊपर, और सब लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस, जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से भारी बहुमत से जीता, कांग्रेस और वाम समझ लीजिए खत्म हो गया राज्य में, और एक तरह से पूरा एक बाइपोलर दो तरफा एक पॉलिटी बन गया, एक साइड में भारतीय जनता पार्टी और दूसरी साइड में तृणमूल कांग्रेस। तो बंगाल का चुनाव के बहुत सारे हिस्से हैं, उसमें से महत्वपूर्ण क्या क्या है? एक क्या है जो आपने जहां कहा असम में जो माइनॉरिटी कंसोलिडेशन, मेजॉरिटी कंसोलिडेशन, जो जैसे बंगाल में 27-28% लोग मुसलमान हैं, तो एक तरह से क्या हमने पूरा देखा सारे जो अल्पसंख्यक के लोग सारे TMC के साथ? क्या दो और सवाल मैं आपको डाल, एक साथ में आप जवाब दे दीजिए। इतना पैसा खर्चा करने का बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीता। अमित शाह ने कहा कि हम 200 मिलेगा, 100 से भी कम मिला, ये कारण क्या है आप बताइए? अगर आपको कोई संकेत चाहिए कि स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए और स्थानीय मुद्दों पे जीत होती है, तो
तो वेस्ट बंगाल उसका स्पष्ट उदाहरण। ये जीत था स्थानीय मुद्दे, ये जीत था बंगाली आइडेंटिटी के प्रश्न, ये जीत था कौन बंगाली आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेगा, को रिस्पेक्ट करेगा। बीजेपी का पूरा कैंपेन नेशनल लीडर्स ने चलाया। ये चुनाव दिखाता है कि नेशनल लीडर्स का इन्फ्लुएंस वोटर्स पे हो सकता है, उस पर कोई शक नहीं है, बट अगर वो इन्फ्लुएंस आपको मेजॉरिटी पार्टी आपको बनाना है उससे, तो आपको एक लोकल लेवल मास बेस लीडर अगर आपका नहीं है, आप वो चुनाव नहीं जीत सकते। ये 2005 में भी बिहार के वोटर्स ने दिखाया है, जब उन्होंने नीतीश को वापस लेके आए, और अभी बंगाल में वो भी जब बीजेपी के विरोध में ऐसे एक लीडर हो जिसका मास स्पेस हो, और आपका राज्य में कोई लीडर नहीं है जिसका मास स्पेस है, ऐसा कंपटीशन जब है, राष्ट्रीय नायक आपकी सहायता के लिए नहीं आ सकता। वोट बटोरने में और मेजॉरिटी पार्टी बनने में वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दैट इज फैक्टर नंबर वन। मैं दोबारा आपसे वही सवाल उठा रहा हूं, इतना पैसा खर्चा किया, इसका कोई असर नहीं पड़ा? इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में खर्च किया, मगर आप वोट आप तो तृणमूल कांग्रेस का, तो कितने विधायक, कितने मंत्री से सब लोग तो आपके साथ चले गए, फिर भी इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद भी आपका आप जीत नहीं पाया, इसका कारण क्या है? परंजय, वेस्ट बंगाल सिर्फ एक और उदाहरण है, काफी उदाहरण है इससे पहले, पर ये एक और उदाहरण है कि आपका जितना खर्च होता है उसके आधार पे उतना आपको सीट नहीं मिलेगा। हमारे सिस्टम में विजिबिलिटी आने के लिए वो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर की जरूरत रहती है, बट उस मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर के बाद आप सिंपली ज्यादा खर्च करने के कारण आप जीतेंगे। काफी इलेक्शन हुए हैं हमारे देश में जो इस बात को डिस्प्रूव करते हैं, और वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जो इस बात को डिस्प्रूव। पर जो मैं दो और फैक्टर्स यहां पे शामिल करूंगा, हमारे वोटर्स लोकल एस्पिरेशन, लोकल फीलिंग्स, लोकल आइडेंटिटीज को काफी हद तक महत्व देते हैं। ये ममता का रिटर्न, दीदी का रिटर्न इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट एसर्शन ऑफ लोकल आइडेंटिटी। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, असम में जो हुआ वेस्ट बंगाल में उसका उल्टा हुआ। वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी कंसोलिडेशन बहुत ही स्ट्रांग हुआ एंड मेजॉरिटी कंसोलिडेशन नहीं। वेस्ट बंगाल में आप देखें तो हमारा डेटा वापस ये बात कहता है कि 75% ऑफ माइनॉरिटी वोट वेंट टू तृणमूल कांग्रेस, एंड लोकसभा इलेक्शन में दिस वाज ओनली 70%, 5% ज्यादा हुआ है। एंड मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी का देखें तो बीजेपी मैनेज्ड ओनली 50% ऑफ द माइनॉरिटी ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, लोकसभा इलेक्शन में 57%। प्रोफेसर संदीप शास्त्री, एक और फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूं, महिला के वो आप जानते हैं कि आज भारतवर्ष में एक ही महिला मुख्यमंत्री है, वो है ममता बनर्जी। आप ये भी जानते हैं, जो पूरा अगर आप एशिया देखिए, दक्षिण एशिया देखिए, अब दक्षिण पूर्व एशिया देखिए, जितने महिला राजनीतिक दल का नेता है, अब चलिए बेनजीर भुट्टो, सिरिमवो बंदर नायक, शेख हसीना, खलीदा जिया, ओंग सांग सूची, भारतवर्ष में सोनिया गांधी, मायावती, जयललिता, ऐसे बहुत सारे महिला नेता, हर महिला नेता के पीछे कोई एक मर्द है, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का स्वामी,
किसी का और कोई मदद करने वाले मेंटर आप कहेंगे, ममता बनर्जी अकेला, ममता जी अकेला अपने बल एकदम नीचे से वही हवाई चप्पल पहन के एकदम उच्च स्तर पे। तो ये भी वामदल 10 साल पहले अंडर एस्टिमेट किया, और मैं मेरा लग रहा है इस बार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भी ने सोचा कि इतने महिला ममता जी को वोट देंगे, उनका हस्बैंड और किसी को वोट दे, उसका भाई, उसका पिता, उसका बेटा, किसी को भी वोट सकते हैं, मगर महिला मेरा लग रहा है भारी, बहुत सारे महिला, पश्चिम बंगाल का महिला इस बार मन स्थिर किया कि हमको दीदी को ही वोट देना है। परंजा, इस बात में कोई शक ही नहीं है, और हमारा डेटा ये स्पष्ट दिखाता है कि जब महिलाओं की आप वोट देखें, महिलाओं का दृष्टिकोण देखें, दीदी को सपोर्ट महिलाओं में पुरुषों से बहुत ही ज्यादा है, और बीजेपी तृणमूल वोट शेयर डिफरेंस जब आप महिलाओं को देखें और पुरुषों को देखें वो गैप बहुत ही ज्यादा हो जाता है। उसमें आपने जैसे कहा दो तीन फैक्टर हैं, एक फैक्टर तो मुझे लगता है राइट फ्रॉम हर फर्स्ट इलेक्शन जब उन्होंने सोमनाथ चैटर्जी को डिफीट किया, ममता बनर्जी रिप्रेजेंटेड वुमन पावर इन ए इंपॉर्टेंट, ममता बनर्जी रिप्रेजेंटेड वुमन पावर नॉट इन टर्म्स ऑफ वुमन बट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ शोइंग द मेन दैट इफ यू कैन डू समथिंग आई कैन डू इट बेटर देन। सो दैट फैक्टर, सो व्हाट आई एम सेइंग इज women vote उनको आया because she was representative of women empowerment, men vote भी उनको आया because she represented that capacity to be able to challenge an opponent headlong। और एक बात देखिए करण भाई, उनके 10 साल जो वो सरकार में रहे हैं, इन 10 सालों में काफी महिलाओं के लिए योजनाएं सरकार ने इंप्लीमेंट किया है, और हमारे सर्वे में भी ये दिखता है कि महिलाओं ने काफी संख्या में कहा कि हम उस स्कीम से बेनिफिट हुए हैं। सो इट इज नॉट जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन बट ऑल्सो उनकी सरकार ने ऐसे स्कीम्स की। फाइनल पॉइंट ऑन दैट परंजय, काफी लोग कहते थे कि दीदी दादा बन गई, मैं उस बात को मानूंगा नहीं, दीदी सच की दीदी बन गई, दादा बने नहीं, बनने की जरूरत नहीं थी उन्हें, दीदी दीदी एक तरह से जब हमारे प्रधानमंत्री रैंक किया, टिप्पणी किया, दीदी वो दीदी कहा, एकदम पूरा एक चुनाव प्रचार के समय, ये तो वहां के महिला पसंद नहीं किया, ये साफ हो गया आज। परंजय, जो बाद में ये बीजेपी का स्लोगन बन गया दीदी ओ दीदी, आई थिंक बंगाल का वोटर ने कहा कि हम इस तरह से मजाक उड़ाना, हमारे नायक की इस तरह मजाक उड़ाना, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। एक मैं पैरेलल ड्रॉ करूं तो आपको याद होगा 2009 के लोकसभा चुनाव में आडवाणी जी ने मनमोहन सिंह जी को निकम्मा प्रधानमंत्री बुलाया था, और काफी लोगों का कहना है कि 2009 चुनाव में वो टर्न अराउंड हुआ उस एक स्लोगन से। सो हमारे इलेक्टोरेट, आप विरोधी का विरोध करें, विरोधी के नीतियों का विरोध करें, बट विरोधियों पे पर्सनल अटैक लॉन्च करें, वो किसी भी पार्टी का विरोधी हो, ये मैं यहाँ एक किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ये वेस्ट बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में ये एक पार्टी हो जाता है, बट कहीं भी देखिए आप पिछले 15-20 साल में तो अगर आप पर्सनल अटैक लॉन्च करें, वोटर्स उसको उतनी एकदम पसंद नहीं करते, दे डोंट लाइक दीस पर्सनल अटैक्स। एब्सोल्युटली, और ये भी एकदम सेक्सिस्ट मिसोजिनिस्ट काइंड ऑफ अटैक। संदीप शास्त्री जी, ये बंगाल इलेक्शन के बाद हम देख रहे हैं एक संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग, इनका छवि तो एकदम खराब हो गया, इनके ऊपर जो लोगों का जो विश्वास था
वो आज नहीं है। ये शुरू हुई कब? जिस दिन सुनील अरोड़ा जी, उस समय वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कहा यह है, मैं कह रहा हूं कि 26 फरवरी में उन्होंने जो बताया कि पश्चिम बंगाल में 8 दफा चुनाव होगा, 27 मार्च से शुरू करके 29 अप्रैल, और कितने विधानसभा केंद्र है वहां पे, 294 सीट्स, 8 राउंड ऑफ इलेक्शंस। अब देखिए तमिलनाडु में 234, 1 बार 6 अप्रैल का हुआ। केरला में 140 सीट, 6 अप्रैल को हुआ। और पहला बार हम देखा कि तृणमूल कांग्रेस का जो प्रवक्ता बोला कि ये चुनाव आयोग क्या सचमुच स्वाधीनता से, निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, ने भारत सरकार, मोदी सरकार का एक अंग बन गया। और ममता बनर्जी ये भी कहा ये MCC यानी कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है, ये मोदी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। और बहुत बार हमारा प्रधानमंत्री गया, अमित शाह गया, JP नड्डा जी गया, कलकत्ता हवाई अड्डे में 40 हवाई जहाज, प्राइवेट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर पहुंचा। मगर मेरा कहना है ये सब करने के बावजूद भी बोला, जब कोरोना का महामारी दूसरे लहर शुरू हो गया, मोदी जी कह रहे कि इतना भारी, इतने लोग हमने नहीं देखा। और बाद में जब ममता बनर्जी कहा कि आखिरी 3 दिन का चुनाव 1 दिन में कर दो, उनका बात नहीं माना इलेक्शन कमीशन। तो आपका क्या लग रहा है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग का छवि खराब हो गया, बहुत ही बुरी तरह खराब हो गया ये पश्चिम बंगाल का निर्वाचन, ये चुनाव के बाद? रंजय, चुनाव आयोग पे काफी प्रश्न उठे हैं एंड मुझे लगता है समय आ गया है कि चुनाव आयोग को इन विषयों पे पब्लिक कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए। आपने सही कहा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के बीच क्षेत्रों में उतना फर्क नहीं है, और तब भी एक में आप 1 दिन में चुनाव कर देते हैं, दूसरे में आप 8 दिन का चुनाव। समय आज आ गया है कि हमारे डेमोक्रेसी में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल रहना चाहिए, और जो निर्णय आप लेते हैं उस निर्णय का पब्लिक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। चुनाव आयोग को लोगों को कहना चाहिए कि क्यों एक में हम सिर्फ 1 दिन करते हैं, एक में हम 8 दिन करते हैं। आई वुड से इन अ डेमोक्रेसी सिटीजंस हैव अ राइट टू एन आंसर फ्रॉम अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो जब ये सवाल उठा संदीप शास्त्री जी, जब ये सवाल उठाया था सुनील अरोड़ा जी से, he said what's the big deal, इससे पहले 7 बार हुआ, इस बार 8 बार हो रहे, he sort of just brushed away that question। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, परंतु प्रश्न ये है, जब आप किसी भी फैसले को लोगों के आगे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते हैं, तो उसके बारे में शंका और भी ज्यादा हो जाती है कि कुछ आप यहाँ पे हाइड करने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए, आज शायद इलेक्शन कमिश्नर, एक किसी इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटमेंट भी आया है कि हम इस बात को कंसिडर कर रहे थे कि पिछले 3 राउंड को एक तरह करें, पर नहीं किया हमने ना, क्यों नहीं किया? इस बात की पुष्टि, इस बात की एक्सप्लेनेशन, आई थिंक सिटीजंस इन अ डेमोक्रेसी हैव अ राइट टू। और जैसे आपने कहा, आर वी 100% कन्विंस्ड दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज इंप्लीमेंटेड यूनिफॉर्मली फॉर एवरीबडी? ये जो आपने एक्शन कई लीडर्स के विरुद्ध लिया, कई लीडर्स को कहा कि आप 1 दिन ना कैंपेन करें, 2 दिन ना कैंपेन करें, ये आपके लिए पनिशमेंट है फॉर वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ये आपने क्या सभी पार्टीज के लिए अप्लाई किया, सभी लीडर्स को अप्लाई किया? लोगों के मन में ये शंका है कि वो जस्टिस आपने जिस तरह डिस्पेंस किया, कई लोगों को उससे इनजस्टिस हुआ है। सो आई थिंक आने वाले दिनों में हमारे डेमोक्रेसी की छवि अगर साफ रहनी हो,
अगर पब्लिक कॉन्फिडेंस इस डेमोक्रेसी में बरकरार रहना हो तो इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस को एक नॉट ओनली शुड दे बी ऑटोनमस, दे शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर ऑटोनमी। आज के समाज में हमें we not only have to be honest, we have to make a demonstration of our honesty, and वो election commission Caesar's wife का जो कहानी बोलते हैं, not should you know, तो मैं जहाँ से शुरू किया वहीं से वापस आ रहा हूँ, अभी वक्त हमारा कम है, तो आप क्या लग रहा है ये जो आज ये चुनाव के बाद तीन स्थानीय नेता ममता बनर्जी, स्टालिन, पिनाराई विजयन ये आगे बढ़ा, तो ये भारतवर्ष का राजनीति और भारतवर्ष का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाले हैं? कांग्रेस अत्यंत कमजोर है, राहुल गांधी खुद कांग्रेस का नेतृत्व में शीर्ष में आने नहीं चाहते हैं, तो अलग अलग स्थानीय दल है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है आपका, अलग अलग मुख्यमंत्री है, कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री समझ लीजिए अमरिंदर सिंह पंजाब में, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, और देखिए महाराष्ट्र में जो हो रहा है वहां पे शिवसेना और कांग्रेस का जो गठबंधन है और एनसीपी, तो यहां से कि इस चुनाव के बाद हम देखेंगे दोबारा एक विरोधी दल का एक गठबंधन बनने का कोई एक संभावना है, और अगर हो भी सकता है इसके आगे कौन, Who will be the leader? कौन इसको आगे बढ़ाएंगे? ये ममता बनर्जी बनाएंगे ना और कोई बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे? परंजय आप भी इतिहास के विद्यार्थी हैं, अगर हम इतिहास देखें, कांग्रेस डोमिनेंट पॉलिटी में देखें, बीजेपी डोमिनेंट पॉलिटी में देखें, देश की एक बड़ी समस्या रही है the absence of opposition unit. कांग्रेस समय में नॉन कांग्रेस पार्टीज कुड नॉट कम टुगेदर, बीजेपी के समय में नॉन बीजेपी पार्टीज आर नॉट एबल टू कम। ये हमेशा हम इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी कहते हैं, दिस इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी इज हमेशा वेरी वीक। और क्या हुआ अभी ये एक्साइटमेंट, मैं थोड़ा कॉशन यहां एडवाइस करूंगा, जब ये स्टेट बेस्ड पार्टीज इतना अच्छा कर रहे हैं चुनाव में, क्या ये मौका आ गया है फॉर एन एंटी बीजेपी कोलिशन? मुझे याद है 1.5 साल पहले 2 साल पहले कुमार स्वामी जी का सरकार बना बेंगलोर में, कुमार स्वामी और कांग्रेस मिलके उन्होंने सरकार बनाई उन्होंने, मुझे आज भी याद है बेंगलोर में उस समय मैं था, विधानसभा के सामने सब मिलके सब ने साथ में अपना हाथ उठाया, एक साथ सब लोग आए थे, एक साथ सब खड़े होके आए, सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी भी एक साथ थे और सोनिया गांधी, सब लोग थे उसमें। हाँ जी, वो दृश्य बहुत ही अच्छा दृश्य था, और अगले दिन जर्नलिस्ट लिखने शुरू किया अभी एंटी बीजेपी अलायंस बन गया। जिस तरह से उन्होंने हाथ उठाया उसी तरह से उन्होंने एक दूसरे का हाथ गिराया। इंडिया टुडे का 12-15 साल पहले एक हेडलाइन था उनके मैगजीन का, यूनाइटेड वी फॉल डिवाइडेड वी स्टैंड। सो मैं इसमें पानी नहीं फेर रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं थोड़ा कॉशन, ये अलायंस अगर बिल्ड करना है स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी बेसिस पे बिल्ड करना है, लीडरशिप का प्रश्न जब आएगा समस्या शुरू हो जाएगी। एंड हमने जब भी देखा है डोमिनेंट पार्टी, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, डोमिनेंट पार्टी पॉलिटिक्स में ब्रिंगिंग टुगेदर द नॉन डोमिनेंट पार्टीज is always a challenge. वो साथ आ जाएंगे but कितने दिन साथ रहेंगे? हमें नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट का उदाहरण याद है, और आपको और मुझे जनता पार्टी का एग्जाम्पल याद है, हम दोनों उस समय विद्यार्थी थे 1977 में, हमने देखा क्या हुआ उस समय।
आपको भी उस समय याद होगा, हम सब मैं उस समय बीए ज्वाइन करने वाला था, मेरा पूरा उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ रहा था, और संदीप शास्त्री उस समय हमारा व्यू था ये तो भारत बदल गया, अभी हमारे देश में ज्यादा रेवोल्यूशन आ गया, अभी हमने ज्यादा उत्साही होने का कोई जरूरत नहीं, यही आप कहने चाहते हैं। वही मैंने कहा, आज भी अगर वी आर लुकिंग एट ए नॉन बीजेपी फॉर्मुलेशन, वो नॉन बीजेपी फॉर्मुलेशन को स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, पॉलिसी फाउंडेशन पे यूनिटी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा उनको, एंड उनके आंतरिक समस्याओं को उन्हें डील करना पड़ेगा। चलिए, क्या कम्युनिस्ट और तृणमूल साथ में आ जाएंगे? देखिए आप, क्या विरोधी क्या कांग्रेस को वो कांग्रेस को क्या रोल देंगे इस अलायंस में? और कांग्रेस दो में जो बन सकती थी उनकी सरकार नहीं बनी, केरला में, असम में। देखिए उत्तर प्रदेश में यार पिकी बैकिंग दी बीजेपी, डीएमके उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी में, और तीन ही राज्यों में जूनियर पार्टनर में, 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया में तीन राज्यों में उनका सरकार है और तीन राज्यों में वो जूनियर पार्टनर है। महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर है, तमिलनाडु में जूनियर पार्टनर है, झारखंड में जूनियर पार्टनर, और तीन राज्यों में उनका सरकार है, पंजाब में उनका सरकार है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, और छह राज्यों में आपका आप हैं लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी। उस स्थान को आपको बचा के रखना है तो आपके आंतरिक समस्याओं को आपको जूझना पड़ेगा। लीडरशिप आपका लीडरशिप क्या 24/7 आएगा? आपका लीडरशिप, आप राहुल गांधी के बात कर रहे हैं, हमें मालूम है। और आपको मैं याद दिला देता हूं, 2004 में मैं और शंकर रघुरामन ने एक किताब भी लिखा था, उसका टाइटल था, उसका सुर्खिया था डिवाइडेड वी स्टैंड। तो उसके बाद उसका एक और संस्करण आए हैं 3-4 साल के बाद। तो शास्त्री जी अभी समय बताएंगे भारतवर्ष का राजनीति कौन सा दिशा में जाएगा, मगर जो आपने पहले जो हमारे वार्तालाप आपने शुरू किया, एक विषय के ऊपर किसी का दो राय नहीं है, ये है कि 7 साल के बाद ये विधानसभा चुनावों का नतीजे के बाद नरेंद्र मोदी का सरकार को ऊपर जो धक्का लगा, ये पहला बार इतना जबरदस्त एक धक्का लगा, और आने वाले समय बताएंगे कहां कौन सा दिशा में भारतवर्ष का राजनीति जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अत्यंत धन्यवाद आप न्यूज़क्लिक के सारे दर्शक को, आपका कीमती समय ने दिया, और आप सब देख, आपने शुरू में पूछा कि क्या आप हिंदी में बात कर सकते हैं, आशा है कि मेरी हिंदी ठीक रही और आपने बहुत आपके आपके ऑडियंस को ये समझ सकेंगे। कोई बात नहीं, ये मेरी तीसरी भाषा है संदीप जी, आपका भी तीसरी भाषा है, आपका मातृभाषा है कन्नड़ा, मेरा मातृभाषा है बंगला, फिर भी धन्यवाद, और आप सब देखते रहिए न्यूज क्लिक।